ओम शांति। मुरली का तारीख है 22/1/2020। मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वहां देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत, यहाँ कौन आज आया सवेरे सवेरे, ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो, 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो एएम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यहाँ बिल्कुल सवेरा है, ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड भी देरी नहीं हो सकती। यहाँ ड्रामा अनादि बना हुआ है, 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे, या बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, वहाँ इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है, सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल गौर अंधियारे में। बाप को सभी वक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आवो, परंतु वहां कौन है, कब आते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है, काम भी इतना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप आर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो, अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कामन अक्षर है, ब्रह्मा से योग लगाते हैं, वहां भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यहाँ तुम्हारा है राजयोग, बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती आने वाली है, शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है, शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए।
तुम ज्ञान गंगाए हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे के बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। या शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं असुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्तनाट्य पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में कोई तोड़े है जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत बागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया तो राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की गरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को गरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसीलिए गरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करते हैं, वो भी पक्का मिस्त्री है। दो तीन कमरा बनाती है, तीन चार कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे एक दो को बनाओ, चाहे दस बारह को, चाहे सौ को, चाहे पांच सौ को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यहाँ भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको बूबू करते हो, फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं। अर्थात इस धर्म के नहीं हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत भ्रमरी से जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल, 4-5 हजार भी बैठेंगे। आगे चल, 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से बेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं, हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती है, फॉरिनर्स को टक्कर आती है। फॉरिन में जाकर फॉरिनर्स को तगाकर आती है। उनको कहती है, भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे तोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरिन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। या राजयोग सीखो तो तुम स्वर्ग में जन्म लेंगे। राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं।
कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। या तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेशा दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं, बाप आए हैं तो पूरा डिंडोरा पिटाना चाहिए, एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति दाम सुख दाम का वर्षा देने। बरोबर, जब डीटी जमता तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति दाम में थे, ऐसे ऐसे क्याला चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए, बाप गाइड बन वापिस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबर वार आएंगे। कितना सहज है, या तो बुद्धि में धारण होना चाहिए, जो सर्विस करते हैं वहां छिपे नहीं रह सकते, डिससर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते, सर्विसेबल को बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको तोड़े ही बुलाएंगे, वहां तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना, शुबाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पाना सके, जैसे यहां भी कोई कोई तो करोड़पति है, पद्मपति है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे, अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वहां फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे, या बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वहां भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो, या सब बातें शास्त्रों में तोड़े ही है, शुबाबा ही आकर बतलाते हैं, बरोबर यहाँ गांव का चोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, यहाँ आत्मा की बात है, इसीलिए मनुष्य मूंजे हुए है, तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, चित्र देके बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है, तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा, मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो, जो शुबाबा सबके दीप जलाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वहां तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, या राज बाप समझाते हैं, बाबा कोई शास्त्र तोड़े ही उठाते हैं, बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना, हाँ, यहाँ जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए याद पड़ती है, बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूं, हाँ कोई समय पता पड़ जाता है, या पतित है शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला बेचता है, इनसे पूछो या भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो डेर है, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे, समझना चाहिए बाबा हमको
गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यहाँ तो है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे सत्युग को कहा जाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह यहाँ है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसे बन जाता है। अभी सब है तमो प्रदान, आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यहाँ कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर वन मंत्र दिया है, मन मनाबो, बाप और वर्से को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है, बहुत है। योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, इनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सेकेंड पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है, ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बवा। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता, इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। श्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर ना रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, ना कि अधीन होने वाले। अच्छा, ओम शांति।